मम्मी देखो चाकू लेके। All right, finally हमारा पार्सल आ चुका है जो कि बहुत दिन से वेटिंग में चल रहा था। There it is. डिलीवरी गाय को मैंने बोल दिया कि बाहर ही छोड़ देना, you know, COVID reasons. First thing first, sanitize. आराम से, आराम से। ये था हमारा पार्सल। Protection first, बाहर से कुछ भी आए तो sanitize जरूर करना। मैं तो करते हैं, हाँ? मैं करूँ? क्या? Unboxing. करो ढंग से, करना अनबॉक्स। अंदर गद्दा भी है, उसको कुछ हुआ और वो कटा तो तुम भी कटी, मतलब बाल। मालूम है अगर अब की बार मेरे बालों को छुआ भी तो। उल्टा डब्बा रख दिया तुमने। तुमने रखा, ठीक है। अब तुम सीधा कर रहे हो, पागल हो क्या? ये है हमारा फ्लो मैट्रेस। कुछ है? व्हाट इज इट? ये चीज अच्छी मिल गई। मेरी नई चिप के बाद काम आएगा। और ये खुला आसमा। तो दिस इज आर मैट्रेस। की दबाव क्यों है? साइंस, आई थिंक साइंस। मुझे ऑलमोस्ट लगा था कि मेरा कट चुका है जब ये देखा मैंने, इतना पतला सा, लेकिन अब देखो ये उतना मोटा हो चुका है। तो ये है अपना गद्दा और मैडम ने अपने पैर साफ करने स्टार्ट कर दिए हैं और जंपिंग जपाक। तो गाइज ये है अपना गद्दा और इसके फीचर्स पे आते हैं। पहला फीचर जो ये क्लेम करते हैं, जीरो पार्टनर डिस्टरबेंस। दैट मींस कि अगर ये इस साइड सो रही है और मैं इस साइड सो रहा हूँ, मैं कुछ हरकतें करता हूँ इस साइड, तो इसे फील नहीं होगा। पूरा गद्दा हिल गया, ठीक है। उसका मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ से चल के जा रहे हो तो पता नहीं चलेगा। मेरे पास बेटर मेथड है इसको डेमोंस्ट्रेट करने का। अ कप ऑफ वाटर, यहाँ चल के दिखाओ। तो ये हो गया हमारा करेक्ट डेमोंस्ट्रेशन। गिरा गया पानी? नाइस, रियली रियली नाइस। दूसरा फीचर जो मुझे इसका सबसे अच्छा लगा ना, दिस इज रिवर्सिबल। ये इसका बॉटम सरफेस है विच इज मोर फर्म ऑर्थोपेडिक सपोर्ट, जो कि आपकी बैक के लिए अच्छा रहता है, व्हाइल द टॉप सरफेस ऑफर सॉफ्टर इकोनॉमिक सपोर्ट। इट्स लाइक आप दो मैट्रेस ओन कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात, ये बैम्बू फैब्रिक से बना है जो कि ठंडा रहता है। ऑल्सो इस मैट्रेस पे 10 साल की वारंटी है और 30 डेज रिटर्न पॉलिसी है, तो इन केस मुझे अच्छा नहीं लगा तो आई रिटर्न इट बैक। वैसे लगता नहीं मैं करूंगा बिकॉज हमारे WWE में बहुत काम आएगा। वाह बेटे वाह, पंचर गोलू। अरे लड़की पुच्ची नहीं चाहिए मेरे को। ये देखो अगर तूने उसे खींचा तो तू पिटी। हाँ इट्स नाइकी। This is life saver. All right, हवा is full. ऐसे कोविड के सिचुएशन में बाहर निकलने का रीजन मेरा फोन, आईफोन, जिसकी लिटरली दूसरी बार खराब हो चुका है उसका बैक कैमरा। इशू क्या है मैं वहां जाके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये इसका बैक कैमरा आईफोन XR। ऐसे आवाज आ रही होगी कुछ, व्हाट इज दिस आईफोन। अनफॉर्चुनेटली मेरे फोन का तो काम हुआ नहीं, मैं मॉल में गया एंड दे वर लाइक कि जो पहले से फोन पड़े हैं उन्हीं की सर्विस हो रही है, जो नए फोन उनकी सर्विस नहीं हो पाएगी। सर्विस क्या है, जो रिपेयर होना है वो भी नहीं हो पाएगा। इसमें उनकी भी गलती नहीं, बिकॉज लॉकडाउन लगा हुआ है तो उनके जो वर्कर्स थे दे आर गॉन। पता नहीं सब जगह अलग अलग टाइम की लॉकडाउन करने का क्या मतलब है। दिल्ली में फुल पूरा लॉकडाउन, यूपी में वीकेंड लॉकडाउन, हरियाणा में अपने शाम 6 बजे से सुबह समथिंग लॉकडाउन है। यार एक जैसा कर लो ना, आम आदमी की क्यों मार रहे हो। खैर गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, सह लेंगे थोड़ा। दूसरा रीजन हमारा निकलने का ये था कि हमारे फ्लफी जी का बर्थडे है। पिछले साल हमने ऑलमोस्ट सारे बर्थडे मिस करे, इस साल कोशिश करेंगे अगर मौका मिल रहा है जाने का तो हम डेफिनेटली गो विद फुल सेफ्टी मास्क। हाँ गाड़ी के अंदर मैंने अभी नीचे कर रखा है बिकॉज आई एम टॉकिंग विद कैमरा। शिल्पा ने पहना हुआ है। हाय लॉकडाउन में निकल गया, कोविड के टाइम में निकल गया, बिल्कुल केयर नहीं है उसकी, सैनिटाइजर भी है। क्या कर रही हो तो? दूसरी बात, फरीदाबाद जाने का रास्ता भी दिल्ली से पड़ता है तो मेरा ससुराल जो है कटा हुआ है बीच में से। अब मुझे कोई लंबा सा रास्ता देखना पड़ेगा। अब सीधा मिलते हैं हम आपको अपने ससुराल इसके पेका या मायका पे। अगर हमको बीच में पुलिस वाले पकड़ते हैं तो बी पॉजिटिव। हाँ बी पॉजिटिव, अगर पकड़ते हैं तो कोई नहीं, हमें कंटेंट मिल जाएगा। ये होती है यूट्यूबर की लाइफ। हाँ जी देख तेरी बहन को क्या हो गया, सर पे चोट लगा के आ गई। हाँ यही है भाई, मिलती भी नहीं है तेरे से, बर्थडे आ रहा तेरा मिलती भी नहीं है। क्या लगा है दिखाओ। नाइस मांटो ना बेटे। इतना बड़ा। डिड यू आस्क योर सिस्टर दैट उसको चोट लग गई खतरनाक वाली, सर पे खून निकला है, उन्होंने पूछा ऐसा? ना अभी मैं भी बात नहीं करूंगा। आई वोंट टॉक टू यू। नो ऐसे ऐसे इस प्यार से नहीं होगा कुछ। तूने पूछा अपनी बहन से?
चोट लगी है उसके है? है? चल पहले उसको पूछ के फिर मैं तेरे को चिट्ठी दूंगा। गुड बॉय। सफे तेरी टोपी किधर है बर्थडे वाली? ये दे। ओए होए फ्लफी का हैप्पी बर्थडे। फ्लफी देख देखो फ्लफी ये देख। अब तो पापा ने बोल दिया अब तो उठना पड़े। सीधा बड़ा सा मुंह मारना उसने एक बार। मुझे कोई मतलब नहीं है काटा और मुझे खाने को दे। मुझे बस खाने को दे दो। फ्लफी का हैप्पी बर्थडे यही दे दो। ये है फ्लफी का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू फ्लफी। बस यार इतना भी मत तड़पाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग। हमने रात में फ्लफी का बर्थडे अच्छे से बना लिया, अच्छे से पेट भर के भी खा लिया। हमने भी खाया। यस उसने भी खाया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने खाया। पर उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि रात में जब हम घर पहुंचे तो इसने क्या कांड करा। ये देखो ये दिख रहा है सर पे खून खान। तुम करना क्या चाह रही थी? पैर स्लिप हो गया। व्हाट इज दिस? बताना चाहोगे कैसे लगी? मैं बताता हूँ कैसे लगी। तो हुआ कुछ ऐसा कि शिल्पा चढ़ रही थी पता नहीं कौन से नशे में, यहाँ तक पहुंची। शिल्पा के हाथ बिजी थे, हाथ में केक था, लैपटॉप था, तो शिल्पा के हाथ बिजी थे। तो शिल्पा वॉज लाइक इसे खोलू कैसे, सो वाई नॉट बी अ सार्ड। और ये ऐसे ऐसे आते धड़ अपना गेट पे। बट शिल्पा को याद आया अरे मैं तो बिल्ली हूँ। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था और हो गया खूनम खान। मतलब कुछ भी कहानी बना लो है, यही हुआ था। तो और उसका एंड नतीजा हुआ ये। और फिर बाद में मैंने इसको याद दिलाया कि तुमसे ना हो पाएगा। क्या बना रही है बूबो? पंजाबी वाला खाना, प्याज की रोटी। आहा। तो उम्मीद करता हूँ जो तुम बना रही हो ना अच्छा बनना चाहिए, वरना तुम घर से आउट। ये लुक्स मत दो, मजाक नहीं कर रहा मैं। आउट हो तुम घर से अगर अच्छा नहीं बना हो तो। अरे बूबू मजाक कर रहा हो, तुम्हें मैं तुम्हारे घर से कैसे निकाल सकता हूँ? तुम्हारा पेका है ये, एटलीस्ट थोड़ा तो सोचो। ढंग से काटो प्याज, नीचे गिर रहा है वो। खुद ही बना दो तुम। अरे नीचे गिर रहा है तो गंदगी हो रही है। देखो ये देखो छिलका गिरा। छिलका ही गिरा है तो गंदगी हो रही है ना। अब काम वाली पोछा लगा के गई है, उसकी तुम सारी मेहनत पे पानी फेर रही हो, सॉरी प्याज फेर रही हो, प्याज के छिलके। बना लो। बना लो ढंग से बनाओ बियाच। मम्मी देखो चाकू लेके। ये जो तुम किचन के सामान लेके मेरे पीछे भागती हो ना, इसी का चक्कर है तुम्हारे सर पे ये मिला है। कुछ कर सकते हो? भगवान ने इसको सजा दी है। पूछो कुछ कर सकते हो? यही तो नहीं कर सकता। खैर गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। Also to check out the Hush mattresses, link is in the description. बस ये बोलना था, ये तो मैं भी बोल देता। मुझे किसको बोला? Hope you guys enjoyed this video and if you did, you know the drill, like, subscribe and share जरूर करना। With that said, हंसते रहो, हंसाते रहो, फिर मिलेंगे, चलते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे, चलते चलते। मम्मी, मम्मी, मम्मी।